नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज मिश्रा आप सभी का अर्पण ज्ञान गंगा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज मैं उपस्थित हूँ आपसे बात करने के लिए सूर्य का गोचर धनु राशि में किन राशियों के लिए क्या फल लेकर आ रहा है। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूँ कि सूर्य का वृश्चिक राशि से धनु राशि में परिवर्तन होगा 16 दिसंबर 2022 को सुबह 9:38 पर। दोस्तों, जैसा कि हम आपको विदित है, जब भी किसी राशि का परिवर्तन होता है तो सभी जब भी किसी ग्रह का परिवर्तन होता है तो सभी राशियों पे कुछ न कुछ उसका प्रभाव पड़ता है, कुछ प्रतिकूल कुछ कुछ अनुकूल प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, जैसा कि हम आप सबको पता है कि सूर्य आत्मा के कारक है। जिस व्यक्ति जन्म कुंडली में सूर्य मजबूत होते हैं, ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज्यादा आत्मविश्वासी होता है। ऐसा व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में काफी डेवलप करता है, काफी ग्रोथ करता है। ऐसा व्यक्ति काफी अच्छा व्यापारी होता है, काफी अच्छा व्यापार भी करता है। जब इनकी राशि परिवर्तन की बात हो तो दोस्तों, यह जानना हमें अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि हमारे राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। दोस्तों, किसी भी ग्रह का गोचर उस व्यक्ति की जन्म कुंडली पे तभी ही कुछ अनुकूल और कुछ कुछ प्रतिकूल प्रभाव डालता है जब उसकी जन्म कुंडली की दशाएं, अंतर दशाएं, ग्रहों की स्थिति शुभ और अशुभ हो उसके ऊपर निर्भर करता है कि आपकी जन्म कुंडली की ग्रह दशाएं कैसी हैं, ग्रह स्थिति कैसी है, आपकी जन्म कुंडली किसकी दशा चल रही है उस पर निर्भर करता है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किन राशि वालों के लिए काफी अच्छा समय लेकर आ रहा है, किन राशि के लिए कुछ दिक्कतें पैदा कर रहा है और किन राशि के लिए समय है। इसके साथ साथ में आपकी जन्म कुंडली में सूर्य को मजबूत करने के लिए कुछ उपाय के बारे में बात करूंगा। अगर वो उपाय करते हैं तो आपकी जन्म कुंडली में सूर्य मजबूत होगा। और जैसा कि मैं बताया कि सूर्य आत्मा के कारक होते हैं, जन्म कुंडली में अगर आपके मजबूत रहेंगे तो राजनीतिक क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, समाज में आपके पद मान प्रतिष्ठा में वृद्धि करते रहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उन राशियों के बारे में जिनके लिए शुभता लेकर आ रहे हैं। तो दोस्तों, यह गोचर मेष राशि वालों के लिए, सिंह राशि वालों के लिए, कर्क राशि वालों के लिए, कन्या राशि वालों के लिए काफी अच्छा गोचर है। यह उनके जीवन में काफी महत्वपूर्ण बदलाव देगा, काफी उनके लिए सकारात्मकता लेकर आएगा। जिसको सावधान रहना दोस्तों, उन राशि वालों के लिए मैं बात करूं तो वृष राशि वाले हो गए, मिथुन राशि वाले हो गए और कन्या राशि वाले हो गए, इनको सावधान रहने की जरूरत है। इस गोचर के अंतर्गत उन्हें हर कार्य में बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। सम राशि बात करो दोस्तों, सम फल लेकर आ रहा है जिन राशियों के लिए, वो राशि है दोस्तों तुला राशि है, धनु राशि है, कुंभ राशि है और मेष राशि है। इन राशि वालों के लिए काफी समभाव लेकर आ रहा है, उनके लिए ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है, इनका रूटीन नॉर्मल चलता रहेगा। दोस्तों, बात करते हैं उपाय की। इस गोचर के दौरान अगर आपको अपनी जन्म कुंडली में सूर्य को मजबूत करना है तो सबसे पहले दोस्तों आपको भगवान सूर्य को रविवार के दिन प्रातः जल जल तो ऐसे प्रतिदिन देना चाहिए भगवान सूर्य को, अगर आप नहीं देते हैं तो रविवार को आप प्रातः सूर्य भगवान को जल दीजिए। सूर्य भगवान के बीज मंत्र का एक माला कम से कम आप करिए, अगर प्रतिदिन नहीं कर पा रहे हैं तो रविवार को एक माला जरूर सूर्य भगवान के बीज मंत्र का आप करिए। इससे आपकी जन्म कुंडली में सूर्य मजबूत हो गए। जब किसी व्यक्ति जन्म कुंडली में सूर्य मजबूत होते हैं दोस्तों, राजनीति, सामाजिक, पारिवारिक, व्यावसायिक हर क्षेत्र में वह व्यक्ति उत्तरोत्तर उन्नत करता है, वो अपने पद प्रतिष्ठा में वृद्धि करता है, उसका समाज में मान सम्मान बढ़ता है। तो दोस्तों, छोटी सी जानकारी थी सूर्य के गोचर को लेकर। आशा करता हूँ छोटी जानकारी आपको अच्छी लगे। अच्छे लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।